गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मनाली मैम एंड वेलकम टू मनाली सेज। सो गाइस, हम लोग जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन पढ़ रहे थे नीट के लिए, एंड उसमें से हम लोग का चैप्टर अभी भी है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, हम लोग ने इसमें क्या क्या पढ़ा है अभी तक? मेंडल्स रेशियो पढ़ लिया, ठीक है, जो मोनोहाइब्रिड के लिए था 3:1 फिनोटिपिक, 1:2:1 जीनोटिपिक। फिर हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया जो था 9:3:3:1 और उसका रेशियो था 1:1:4:2:1:1। यस। उसके बाद हम लोग ने नियो मेंडलिज्म पढ़ा जहाँ पे मेंडल के लॉ नहीं वर्क कर रहे थे। इसमें था इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक। यस, इंट्राजेनिक में हम लोग ने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल अलीलिज्म और इंटरजेनेटिक में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़े कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, सप्लीमेंट्री जीन्स, एपिस्टासिस, लीथल जीन्स, पॉली जीन्स और प्लायोट्रॉपी। उसके बाद हम लोग बढ़ गए डिसीजेस की तरफ। डिसीजेस कल के सेशन में मैंने आप लोग को पढ़ाए थे सिकल सेल अनीमिया, थैलेसेमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अलकैप्टो यूरिया। ओके, उसके अलावा हाँ यस, हंटिंगटन स्कोरिया, सब जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखे अपन ने, राइट, जो ऑटोसोमल थी। आज हम लोग लिंकेज स्टार्ट तो कर दिया था, लिंकेज बाद रिवाइज कराएंगे और लिंकेजेस के बारे में पढ़ेंगे। यस, तो कल हम लोग ने लिंकेज में क्या क्या पढ़ा था देखो, तुम लोग को याद होगा कि जो भी तुम्हारे यस लिंकेज मतलब क्या है? ऐसे जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे है और एक के बाद एक अरेंज्ड है, राइट? अगर ये जीन्स पास में होंगे, जैसे लेट्स से आई हैव थ्री जीन्स ए बी और सी, ए और बी का डिस्टेंस कम है तो इनका लिंकेज ज्यादा होगा, टाइटली लिंक्ड है, तो ये हमेशा साथ में इनहेरिट होंगी, इनहेरिटेड टूगेदर। जितना पास में उतना साथ में पास ऑन होगा। तो इनमें हम लोग को जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल जो ट्रेट था वो ज्यादा मिलता है 97.3%, और जो रिकॉम्बिनेशन है, पेरेंटल का मतलब क्या होगा? ए बी या ए बी नहीं है, है ना? रिकॉम्बिनेशन मतलब ए सी है या बी सी है या दोनों में से कुछ भी नहीं है, एक आधा है एक आधा, ए बी का लिंकेज टूट गया, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन। ये बहुत कम होगा, हार्डली 1.7% है। तो बेसिकली जितना लिंकेज ज्यादा, राइट, जितना वन मिनट हाँ सो जितना डिस्टेंस कम, जीन्स में जितना डिस्टेंस कम उतना उनका लिंकेज ज्यादा, उतना पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, सिंपल एज दैट। यस, फिर लूजली लिंक कौन सा होगा? ए सी, ये बहुत दूर है तो ये लूजली लिंक्ड है, सो योर पेरेंटल ट्रेट्स कम होते जाएंगे और रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा, है ना? पेरेंटल ट्रेट्स जो है वो आपके 68% तक चले जाएंगे, राइट, एंड दिस विल बी अराउंड 32%, राइट। अभी अगर जीन्स अनलिंक्ड है, ये तो लिंक्ड हो गया, अगर अनलिंक्ड है, बहुत दूर है, उनमें चांस ही नहीं है, या अलग क्रोमोसोम्स पे है, कनेक्शन का चांस ही नहीं है, या अलग क्रोमोसोम्स पे, नो लिंकेज और दे आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल, जो मेंडल ने वटाना ग्लैंड पे सब देखा, दैट वॉज दिस अनलिंक्ड, है ना? तो ये वाला आप अगर देखोगे, ये मेंडल का रेशियो फॉलो करेगा, सिंपल एज दैट, नॉर्मल रेशियो फॉलो करेगा, जिसमें हमने याद है येलो राउंड येलो रिंकल, ग्रीन राउंड ग्रीन रिंकल, इसमें पेरेंटल दो ट्रेट्स होंगे, टू ट्रेट्स,
तो 25% एक का, 25% दूसरे का, 50-50%। और रिकॉम्बिनेशन के दो नए ट्रेड्स, मैं डायहाइब्रिड से बात कर रही हूँ, है ना, ठीक है, तो ये भी 25 + 25 टोटल होगा 50%, मतलब 50% नया, 50% पुराना। यस, फिर हम डिसाइड कर सकते हो कि 50 से अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो लिंकेज है, कम है तो। एक बात याद रखो कि रिकॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकता है। रिकॉम्बिनेशन मैक्सिमम दैट यू अलाउ, सॉरी, ये उप्स, वेरी सॉरी, यस आई जस्ट राइट डाउन क्विकली, अनलिंक जीन्स फॉलो मेंडल्स रेशियो 25-25, दोनों भी आपके पेरेंटल ट्रेड्स, और रिकॉम्बिनेशन पेरेंटल ट्रेड्स। यस, सो अभी अगर आप लोग देखते हो ना गाइस, तो सुनो, ये तो हो गया आपका अनलिंक्ड जीन्स। अभी रिकॉम्बिनेशन ज्यादा से ज्यादा 50 होगा। अगर 50 से ज्यादा हो रहा है मतलब वो पेरेंटल है, उसको पेरेंटल बोलेंगे, वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो पहले से ऑलरेडी था, चेंजेस कम वाले को ही बोलेंगे। रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज हाईएस्ट और मैक्सिमम इज 50%। इफ इट इज मोर देन 50 तो दैट विल बिकम द पेरेंटल, दैट इज द पेरेंटल, क्योंकि वो पेरेंट्स में था। फाइन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे काफी कुछ आपको समझ में आने लगेगा। ओके, नाउ सेक्स लिंकेज, सेक्स लिमिटेड डिसीज, सेक्स लिंक्ड डिसीज। ओके, क्या क्या होता है देखो, जो कैरेक्टर्स सोमैटिक मतलब जो बॉडी कैरेक्टर्स सेक्स क्रोमोसोम्स पे है, मतलब एक्स और वाई पे है, उनको सेक्स लिंक्ड जीन्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ एक्स क्रोमोसोम की, ये उसका, ये जो मैंने डार्क में कर दिया, ये उसका नॉन होमोलोगस पार्ट है, दैट मीन्स ये एक्स पे है बट वाई पे नहीं है। वही अगर वाई पे देखे तो ये जो है वो उसका नॉन होमोलोगस पार्ट है। तो यहाँ के जो जीन्स है, ठीक है, जीन्स प्रेजेंट योर आर कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि ये आपके सेक्स क्रोमोसोम से कनेक्टेड जीन्स है। यस, अभी कौन से जीन्स होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या है? एक्स वाले में आएगा हीमोफीलिया, यस, कलर ब्लाइंडनेस, हम लोग इसके क्रॉसेस भी करने वाले हैं, मायोपिया। यस, वाई पे जो आता है उसको बोलते हैं होलैंड्रिक जीन्स, एंड्रिक, एंड्रो मतलब मेल, राइट, एंड्रोशियम ऐसा कुछ पढ़ा था ना, एंड्रो मतलब मेल, होलैंड्रिक, ऑल द जीन्स आर ऑन मेल्स। एग्जाम्पल हो गया हाइपर ट्राइकोसिस, मतलब जिसमें कान में बाल आते हैं, इक्थियोसिस एंड बॉल्डनेस, इक्थियोसिस में स्किन एकदम ड्राई हो जाती है और बॉल्डनेस में जो टक्कल पड़ना। क्लियर थे लियर, यहाँ तक समझा? इनहेरिटेंस ढूंढा किसने, ऑफ कोर्स मॉर्गन ने ढूंढा, इसीलिए उसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं। लिंकेज वर्ड भी उसने ढूंढा, और लिंकेज में सेक्स लिंकेज भी उसी ने ढूंढा। किसमें ढूंढा? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसने देखा कि इसमें जो फीमेल है, ठीक है, ड्रोसोफिला की जो फीमेल है शी हैज एक्स क्रोमोजोम्स एंड द मेल दैट यू सी ही हैज एक्स एंड वाई, तो वाई क्रोमोजोम जो था इट इज वेरी स्मॉल एंड इट वॉज हुक्ड, उसका शेप भी कुछ अलग था, तो उससे वो पहचान नहीं आ रहा था। यस, और उसने देखा कि जो आई कलर है वो सेक्स लिंक्ड है, फीमेल्स की आंखें अलग होंगी, मेल्स की आंखें अलग होंगी। यस, सेक्स लिंक जीन कौन सा था इनमें, ड्रोसोफिला में? आई कलर, तो इससे उसको व्हाइट आईज, रेड आईज, ये सारी चीजें हुई। ओके ओके, सो सेक्स लिंक
जीन्स मतलब क्या होगा, उसका इनहेरिटेंस कैसे होगा? इसका इनहेरिटेंस क्रिस क्रॉस होगा। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस? सी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। ऑफ कोर्स सी, अगर लेट्स से हम लोग बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, इसका जीन एक्स के क्रोमोसोम पे, ठीक है, तो ये समझो एक्स के ऊपर सी लिखा तो उसको कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन अलील है, और अगर नॉर्मल है तो उसको हम लोग सिर्फ एक्स लिखेंगे या सिर्फ वाई लिखेंगे। क्लियर? अभी फीमेल्स में देखो, अगर उसको दोनों में एक्स ही है तो शी इज अ कलर ब्लाइंड गर्ल, कलर ब्लाइंड डॉटर, जो भी बोलो। अगर एक्स और एक्स है वो कैरियर है, उसको डिसीज नहीं है बट उसके बच्चे को होगा, उसके बेटे को होगा, यस। और अगर दोनों भी कुछ नहीं है तो वो नॉर्मल डॉटर है, यस। सिमिलरली मेल्स में देखो, देखो मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो अगर वो एक्स में प्रॉब्लम हुआ तो मेल्स में इमीडिएटली डिसीज दिखेगा। सेम चीज हीमोफीलिया के लिए, एक्स की जगह एक्स एच यूज कर लेना, है ना, ठीक है। और अगर नॉर्मल मेल देखना है तो नॉर्मल मेल में कुछ भी नहीं है, एक्स वाई। अब इसके अलग अलग हम लोग कैरेक्टर्स बना सकते हैं, ट्रेट्स बना सकते हैं। देखो जैसे कि ये एक कलर ब्लाइंड मदर है, मदर कैरियर, सॉरी, उसकी शादी हो गई है एक नॉर्मल इंसान से। यस, उसको थोड़ा पढ़ना अलग। यस, उसकी क्रॉस हो गई, शायद नॉर्मल हो गई। शादी किससे हो गई? नॉर्मल मेल से। अभी गैमेट्स देखो कैसे बनेंगे। फीमेल में एक्स सी एक्स, मेल में एक्स और वाई। एक्स सी एक्स ये कैरियर बन गया, एक्स सी वाई देखो ये लड़का कलर ब्लाइंड बन गया। क्या हुआ? मदर को प्रॉब्लम था, मदर कैरियर थी, लड़का कलर ब्लाइंड हो गया, बाकी के नॉर्मल आने वाले। ओके, नॉर्मल गर्ल एंड नॉर्मल बॉय। यस, देखो तो टोटल चार बच्चों में से एक कैरियर है, एक कलर ब्लाइंड है, दो नॉर्मल है। अगर पूछा कितने परसेंट लड़के कलर ब्लाइंड है, तो लड़के दो है, एक्स वाई वाले दोनों में से एक कलर ब्लाइंड, सो 50% बॉयज आर कलर ब्लाइंड। इसमें हुआ क्या? मदर वॉज अ कैरियर, सन गॉट द डिसीज। समझते हैं? वैसे ही अपन लेते हैं अभी कंडीशन जब मदर नॉर्मल है, ओके, फादर को डिसीज। यस, फादर इज कलर ब्लाइंड, या उसको हीमोफीलिया, कोई भी डिसीज ले लो, सबके लिए सेम लॉजिक होगा। यस, इसमें क्या होगा? एक्स एक्स सी वाई, देखो कैरियर डॉटर मिल गई, डॉटर के पास जीन गया, मतलब जीन किसके पास था? जीन था फादर, अलील था, सॉरी, फादर के पास, कलर ब्लाइंड था, अलील के पास, फादर के पास था, वो डॉटर के पास है, तो ये हमेशा मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल जाएगा। यस, इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। दिस इज सीन इन एक्स लिंक्ड डिसीजेस। क्यों? बिकॉज मेल्स हैव ओनली वन एक्स, फीमेल्स हैव टू एक्स, तो उसमें बैलेंस होता है, उसमें दूसरा अलील अफेक्ट करता है, बट इसमें हमेशा क्या होगा? एक्स मेल में एक खराब एक्स है, उसको डिसीज है, सिंपल एज दैट। मदर्स पास द अलील्स टू बोथ सन्स एंड डॉटर्स। मदर अगर एक्स सी है तो वो उसके लड़की को भी देगी, लड़के को भी देगी, क्योंकि मदर का एक्स दोनों के पास जाता है, बट फादर के पास, ये मदर है, बट फादर के पास अगर अलील है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को देगा, बेटे को नहीं देता, क्योंकि बेटे को उसका वाई जीन देता है, क्लियर, वाई क्रोमोसोम देता है। मेजोरिटी ऑफ देम आर रिसेसिव डिसीजेस, नहीं तो फिर सब गर्ल्स को भी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज ये रिसेसिव है, जिसके पास दोनों अलील खराब है या लड़कों में एक अलील खराब है, इन लोग को डिसीज होती है, तो ज्यादा चांस हमेशा मेल्स में होगा, फीमेल ज्यादातर कैरियर होती है,
बिकॉज इट इज रिसेसिव. अगर डोमिनेंट होता तो हम लोग को सबको डिसीज होता, बट ये रिसेसिव है तो हम लोग सिर्फ ये कैरी करेंगे, हमारे बच्चों को होगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है, दिस इज रॉन्ग. ओके, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज सीन इन फीमेल्स एंड स्ट्रेट इनहेरिटेंस इज सीन इन मेल. आई एम जस्ट गोइंग टू 1 मिनट. यस, सी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज सीन इन एक्स लिंक्ड जीन्स. ऐसे जीन्स जो एक्स के नॉन क्रोमोजोम नॉन होमोलोगस पार्ट में है, ठीक है, फीमेल्स में मोस्टली दे आर कैरियर्स बिकॉज ऑल दीज जीन्स आर रिसेसिव. मेल्स में मोर अफेक्टेड, मेल्स का नंबर हमेशा ज्यादा मिलेगा. ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको ये सारे तो दिए थे, उसके अलावा मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी भी है. ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी. मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, बेसिकली मसल्स वीक होने लगते हैं और धीरे धीरे बॉडी के सारे मसल्स वीक होने लगते हैं और डेथ हो जाती है, क्योंकि आपका डायफ्राम भी वीक होने लगता है, मसल्स के अंदर फैट जमने लगता है. दैट इज मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, और वो ऑफकोर्स मेल्स में ही होगा. ठीक है, फीमेल अगर है, शी पासिस हर एक्स क्रोमोजोम टू बोथ द डॉटर हु विल बी अ कैरियर, द सन हु विल बी अफेक्टेड. मेल विल ऑलवेज पास हिज जीन टू द डॉटर, और ये डॉटर हमेशा कैरियर ही रहेगी. क्लियर है, ये तो क्या क्रिस क्रॉस. फिर स्ट्रेट इनहेरिटेंस किसको बोलोगे, स्ट्रेट इनहेरिटेंस वाई के क्रॉन जीन्स को बोलोगे, वाई के नॉन क्रोम होमोजोगस जीन्स को, नॉन होमोलोगस जीन्स को, जो एक्स पे क्या है, नहीं है, सिर्फ वाई पे है. ऐसी जीन्स को ही बोलते हैं होल एंड्रिक जीन्स. अभी फॉर एग्जाम्पल एक वाई वाला जीन है, ठीक है, इसको प्रॉब्लम है, लेट्स से इसको हाइपर ट्राइकोसिस. हाइपर ट्राइकोसिस मुझे कहा है, उसके कान पे बाल है. ठीक है, अभी इसकी शादी हो गई, फीमेल में तो कुछ नहीं होता यार, एक्स एक्स है और एक्स वाई डैश, ये बन गया एक्स वाला गैमेट, एक्स वाला गैमेट, वाई डैश वाला गैमेट. देखो, गर्ल को वाई मिलना ही नहीं है, मिलना रच नहीं, तो बॉय ही अफेक्ट हो. क्या हो गया, फादर का जो प्रॉब्लम था डायरेक्टली सन में गया, स्ट्रेट इनहेरिटेंस हुआ. अंडरस्टूड, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस, हाइपर ट्राइकोसिस, यस, इक्टियोसिस वेर वी हैव वेरी ड्राई स्किन लाइक रेप्टाइल्स, बॉल्डनेस, पैटर्न बॉल्डनेस. क्लियर है, और फीमेल के भी हम लोग लिखे लेते हैं. फिर फीमेल क्रिस क्रॉस में क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस जिसमें रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखते, और हीमोफीलिया जिसमें ब्लीडिंग होता रहेगा. ब्लीडर्स डिसीज बोलते, कोई भी वुंड हुआ तो ब्लीडिंग होता रहेगा. समझ में आ रहा है. फिर होता है सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स. ऐसे कैरेक्टर्स तो पर्टिकुलर सेक्स को ही मिल रहे हैं, मेल को या फीमेल को. देखो, ये जो है ये सेक्स हॉर्मोन्स की वजह से है, तो जिसके पास जो सेक्स हॉर्मोन है उसके हिसाब से उसको चेंजेस मिलेंगे. हमारे पास ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलैक्टिन है, तो फीमेल्स में मिल्क सिक्रीशन होगा, मेल्स में कभी भी नहीं हो सकता. ये है सेक्स लिमिटेड, बिकॉज इट इज लिमिटेड ओनली टू फीमेल्स, मेल्स में पॉसिबल ही नहीं है. वैसे ही पैटर्न बॉल्डनेस, पैटर्न बॉल्डनेस मुझे टकला होना, ठीक है, मेल्स में देखा है, देखो यहाँ यहाँ से हेयर पैच जाने लगता है, ठीक है, बराबर ऐसे हेयर जाता है, लॉस होता है, तो वो भी मेल्स में ही मिलेगा. फिर होता है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट्स. आपको ये तीनों टर्म्स पता होनी चाहिए, सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड. दे आर नॉट ड्यू टू जीन्स, बट दे आर सीन एज सेक्स हॉर्मोन का इफेक्ट या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से मिलता है ये.
और इससे फिर फीमेल में मेल के कैरेक्टर्स कभी कभी आ सकते हैं, राइट? सॉरी, लो पिच्ड वॉइस, दाढ़ी, मस्टाश। तो फीमेल्स में अगर मेल हार्मोन एंड्रोजन ज्यादा हुआ तो फीमेल में ये चीजें मिल सकती है। हम लोग ने एड्रिनल विरिलिज्म पढ़ा था, राइट? मेल्स में अगर इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़ रहे, इस्ट्रोजन स्पेसिफिकली, तो इस्ट्रोडियोल बोलते हैं, इस्ट्रोडियोल बढ़ रहा है तो उनमें एक ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, गायनेकोमास्टिया होगा। ये है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, समझ में आ रहा है? दीज आर बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स। यस, व्हाट डू वी हैव? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सेक्स रिलेटेड ट्रेट्स। कौन से तीन टाइप्स? सबसे पहला है सेक्स लिंक्ड, जिसमें नॉन होमोलोगस पार्ट वाले क्रोमोसोम से, जो सिर्फ एक्स पे है या नॉन सिर्फ वाई पे है, राइट? फिर होता है सेक्स लिमिटेड कंडीशंस, जो पर्टिकुलर सेक्स में ही मिलेंगे, जेंडर में ही मिलेंगे। और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, ये बेसिकली जो आपके सेक्स हॉर्मोन्स है उसका इफेक्ट है। आर वी क्लियर नाउ? तीनों टर्म समझे आप लोग को? इधर तक कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके, मैप यूनिट्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे। देखो, ये एक क्रोमोसोम है, सेम क्रोमोसोम पे जीन्स आर डेज्ड है लीनियरली। मैप यूनिट्स लिंकेज मेजर करता है कि बाबा कितना लिंकेज है इसमें, कितना चांस है इनमें क्रॉस होने का या नहीं होने का। यस, देखो, अगर दोनों जीन्स इतने पास है कि सिर्फ 1% चांस है उनका क्रॉसिंग होने का, 1 ही%, मतलब 100 टाइम्स में से एक ही बार हमको मिला क्योंकि ये अलग हो गए, इनका ब्रेकअप हो गया, एकदम लैला मजनू टाइप्स है, हमेशा साथ में, बेस्ट फ्रेंड्स है, एक आधा बार ही ये अलग अलग दिख रहे हैं, यस, तो उसको बोलेंगे 1% क्रॉसिंग अगर है तो 1 मैप यूनिट। यस, इसको बोलते हैं सेंटी मॉर्गन, ये यूनिट को बोलते हैं सेंटी मॉर्गन। अगर 10% चांस है क्रॉसिंग का, डेसी मॉर्गन, 100% है तो मॉर्गन। जितना परसेंट ज्यादा या जितना मैप यूनिट ज्यादा, उतना क्रॉसिंग ज्यादा, उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, दूर दूर है, लिंकेज नहीं है, यस, लेस लिंकेज होगा। ठीक है, आई विल गिव यू वन एग्जांपल, वी विल जस्ट ड्रॉ वन क्रोमोसोम, नाइस। ए बी सी डी, देखो ए और बी, इनका परसेंटेज है 1%, बी और सी का परसेंटेज, मैप यूनिट्स लिख रही हूँ मैं, परसेंट नहीं देती हूँ आपको, इसका डिस्टेंस है 1 मैप यूनिट, मतलब 100 में से एक आधा ही बार ये लोग क्रॉस होने वाले हैं, 99 टाइम्स दे आर गोइंग टू स्टे टूगेदर। बी और सी का है 18 मैप यूनिट्स, और ए सी का हो गया 18 + 1 19, क्योंकि ए उस तरफ है, इकड़े हस्ता बीच में होता बी और सी के, तो 17 आता। अभी उन्होंने बोला ए डी का है 40 मैप यूनिट्स, ठीक है? तो मुझे वो लोग पूछ रहे कि बाबा सी डी का मैप यूनिट कितना, उन्होंने मेरे को बेसिकली क्या किया, देखो सब डिस्टेंसेस दे दिए, ए डी का डिस्टेंस 1 है, ठीक है, बी सी का 18 है, तो ए सी हो गया 19। अब बोल रहे कि ए डी है 40, 40 मैप यूनिट्स, तो सी डी कितना, तो सी डी होगा 40 - 19, दैट वुड बी व्हाट, 21 मैप यूनिट्स। समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड कि कितना परसेंट उनका क्रॉसिंग का चांस है। अंडरस्टूड? यस, सो लेट्स लुक एट दिस, दिस इज द एक सेकेंड एग्जाम्पल। मॉर्गन एंड स्टुअरमैन क्या कर रहे थे, दे वर वॉचिंग द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज ऑफ ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल, ठीक है? ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल, ये दोनों रिंग्स जो ये जीन्स है उसका मैप यूनिट है 18%, ठीक है? ब्लैक बॉडी और सिनेबर आइज का है 9%,
सिनेबर आईज और वेस्टिजियल का है 9.5, तो जीन्स में देखो बी और वीजी के बीच का डिस्टेंस है 18, बी एंड सिनेबर का है 9, सिनेबर एंड वीजी का है 9.5, राइट? यस, तो अब इसको अलॉट करना है। देखो दोनों दूर कौन से है, सबसे दूर कौन से है, सबसे दूर है बी और वीजी। तो क्रोमोसोम अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो इसमें ये दोनों एकदम दूर है क्योंकि इनका डिस्टेंस है 18%। क्लियर है? फिर बोला है बी और सी एन का डिस्टेंस है 9, सी एन और वीजी का 9.5, मतलब दोनों भी 18 के अंदर है। दैट मीन्स सी एन जो है वो थोड़ा सा आधे से पास में है, बी की तरफ है। यस, दिस इज 9.5। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है जीन का, क्रोमोसोम पे बी सी एन और फिर वी जी। अभी ये देखो और एक क्वेश्चन वैसा ही है। ए और बी, आई एम गोइंग टू राइट, ए बी का है 3 मैप यूनिट्स, बी सी का है 10, और बोला है कि सी और ए का है 7, सबसे दूर कौन सा है, पहले वो करने का। बाबा क्रोमोसोम पे मेरे को सबसे दूर मिल रहा है बी एंड सी। यस, 10। याद रखो मैप यूनिट्स कभी भी सेंट्रोमियर क्रॉस नहीं करते, उधर का अलग आएगा। ओके, बी और सी है 10। अभी ये तो गया ए और बी, देखो ए दोनों तरफ है, दैट मींस ए बी और सी के बीच में है। अभी किसके पास में है, 3 या 7, कौन सा छोटा है, 3, तो ए इधर है। तो जीन्स कैसे अरेंज है, बी ए सी, इधर डिस्टेंस 3, इधर 7, टोटल 10। तो क्रोमोसोम वाला अरेंजमेंट है बी ए सी, समझा? यस, दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन द मैप यूनिट्स। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ नंबर्स देखना है, सबसे दूर कौन से देखना है और फिर अलॉट करते जाना है। ओके, एनी डाउट्स इन योर? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो मेल है कि फीमेल है ये पता करने के लिए अपन यूज करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अभी दोनों में से नॉर्मली जेंडर कौन डिसाइड करता है, जो हेटेरोगैमेटिक है, जिसके पास दो टाइप के गैमेट्स है, जो दो टाइप के स्पर्म बना रहे हैं, दो टाइप के एग्स बना रहे हैं, ठीक है। हेटेरोगैमेटिक जो है ही और शी जो भी है विल डिसाइड द जेंडर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। वो डिसाइड करेगा कि बच्चा लड़का है कि लड़की है, किसी के भी हाथ में नहीं होगा, एक के ही हाथ में होने वाला है। ये तो हो गया जेनेटिकली, बट उसके पहले एनवायरमेंट भी पढ़ेंगे। देखो एनवायरमेंटल में अलग अलग रीजंस है, अलग टेम्परेचर पे लड़का होता है, अलग टेम्परेचर पे लड़की होती है। एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की नहीं। अभी ये जो बोनेलिया एक एनिलिड है, इसका लार्वा जो होता है, इसको कोई सेक्स नहीं होता, ना मेल है ना फीमेल है, नो जेंडर, ना मेल है ना फीमेल है। ये लार्वा अगर किसी फीमेल के अंदर चला गया, ये फीमेल है, फीमेल बड़ी होती है हमेशा। अभी ये लार्वा क्या हो रहा है, फीमेल के अंदर जा रहा है और उसके यूटरस में सेटल हो गया, उधर ही बैठ के खाना खा रहा है, उधर ही सेट हो रहा है, यूटरस के अंदर एक पैरासाइट बन गया। यस, यहां पे रहेगा तो ये मेल बनेगा, डेवलप्स इनटू अ मेल। वो फीमेल के यूटरस में रहता है, अगर उसको फीमेल के यूटरस में खाना मिल रहा है, वहां पे अच्छे से सेटल है, तो वो मेल बनेगा। बट अगर ये लार्वा फ्री लिविंग है, इसको कुछ नहीं मिल रहा है, अलग है, अकेला है, तो ये फीमेल बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर वो फीमेल के साथ है तो मेल बनेगा, नहीं तो वो फीमेल बनेगा। दिस इज सीन इन बोनेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत अलग तरीके से हो रहा है। उसके अलावा अलग अलग टेम्परेचर पे हो रहा है, टर्टल्स, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, इसमें अगर टेम्परेचर लो है, एग्स बना दिया, एग्स को बंद करके रख दिया, अगर टेम्परेचर लो है तो मेल्स बनेंगे, टेम्परेचर हाई है तो फीमेल्स बनेंगे, बट रेशियो हमेशा उनका 1:1 ही आएगा, इक्वल चांसेस है। यस, बट टेम्परेचर पर डिपेंड है। हम लोग में ऐसा नहीं है, हम लोग में एलोजोम्स या
सेक्स क्रोमोसोम्स ये डिसाइड करते हैं, यस और नो? सेक्स क्रोमोसोम मतलब 23rd पैर जो होता है वो डिसाइड करता है। अगर होमोमॉर्फिक है, होमोमॉर्फिक क्रोमोसोम्स है, होमोमॉर्फिक मतलब दोनों भी सेम, तो वो होमोगैमेटिक होगा, एक ही गैमेट बनाएगा। अगर हेटेरोमॉर्फिक है, दो अलग क्रोमोसोम्स उसके पास एक्स और वाई, तो ये स्पर्म में, आधे स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम डालेगा, आधे में वाई, ये करेगा हेटेरोगैमेटिक, सॉरी ये होगा हेटेरोगैमेटिक, समझा? अभी जो भी हेटेरोगैमेटिक है उसके पास ऑप्शन है लड़का है कि लड़की बनाने का। तो ये डिस्कवरी किसने किया? हैंकिंग ने दिया, एक्स के पापा स्पर्म में आधी फीमेल का एक्स आता है बाकी मेल होता है। यस नाउ ये जो एक्स बॉडी है अपन इसको बार बॉडी बोलते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग कोई क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ बार बॉडीज कैलकुलेट करना कि कितनी बार बॉडीज दिखेंगी, तो कैसे करते हैं? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। देखो अभी सोचो, मेल्स है, मेल में एक्स वाई है राइट, तो उसमें नंबर ऑफ मेल क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम एक ही है, तो बार बॉडीज वुड बी 0, 0 बार बॉडीज, ओके इसमें दिखेगा ही नहीं। फीमेल में देखो उसके पास दो एक्स है, तो 2 -1, तो कितनी बार बॉडीज बनेगा? 1 बार बॉडी। अगर हम लोग सुपर फीमेल देखें, शी हैज 3 X क्रोमोसोम्स, सो शी विल हैव 2 बार, सॉरी 3 -1, सो 2 बार बॉडीज। अंडरस्टूड? यस। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द बार बॉडीज, बहुत इजी होता है। कोई भी क्रोमोसोम सीक्वेंस दे दे, एक्स 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 वाई, तो इसमें कितना होगा? 4 - x, 3 बार बॉडीज। अभी ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा? फीमेल इज होमोगैमेटिक, एक ही टाइप का एग बनाएगी, यस। मेल कैसा होता है? दो टाइप के स्पर्म बनाता है, एक्स वाला स्पर्म, वाई वाला स्पर्म। दोनों जब कंबाइन होंगे तो बनेगी गर्ल चाइल्ड, दोनों बॉय होंगे तो बनेगा बॉय चाइल्ड। कितना भी परसेंटेज हो, कितना भी, भले ही 6 लड़कियां है, अगले बार लड़का होने की गारंटी कितनी है? 50%। ऑलवेज दे विल हैव 1:1 रेशियो। पहले कितने भी बच्चे हो मैटर नहीं करेगा, हर बार इक्वल रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि हर बार नया एग है, नया स्पर्म है कि नहीं, तो हर बार 50% चांस ही होता है। भले भले 10 लड़के हो, अगली बार लड़के होने का चांस 50% ही है। अंडरस्टूड टिल हियर? समझ में आ रहा है? Yes. अभी आते हैं एक्स 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 वाई ड्रोसोफिला में, सेम वैसा ही होगा, सेम वैसा ही। यहाँ पे भी मेल इज एक्स वाई ड्रोसोफिला में, ही इज हेटरोगैमेटिक, तो वो ही जेंडर या सेक्स डिटरमाइन करेगा। यस। अभी आते हैं एक्स एक्स ऑफ एक्स जीरो, जैसे ग्रास हॉपर्स में था, इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। फीमेल जो है उसके पास सब क्रोमोसोम है, मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा खाली जगह है, एक क्रोमोसोम कम होता है। अगर फीमेल के पास समझो 10 क्रोमोसोम है, मेल के पास 9 होंगी। यस अंडरस्टूड? एक क्रोमोसोम हमेशा कम होगा। नाउ ये तो यार एक ही टाइप का एक्स बना रही है, इसके एक स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे में 0 क्रोमोसोम, सिर्फ उसके ऑटोसोम्स गए, बाकी का क्रोमोसोम गया ही नहीं, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो अगर दोनों एक्स आए तो फीमेल एक्स, और इधर का कुछ भी नहीं आया तो वो होता है मेल, इसी को अपन X0 लिखते हैं। तो किसने डिसाइड किया? जेंडर ऑफ द बेबी, मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक है कि नहीं, दो टाइप के स्पर्म बना रहे, सो देयरफॉर ही विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। क्लियर है?
जेड 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 डब्ल्यू जेड जेड, यहाँ पे देखो ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मिलता है। फीमेल के पास जेड डब्ल्यू, फीमेल अलग अलग टाइप के एग्स बनाएगी। अभी देखो जेड वाला एग, डब्ल्यू वाला एग, मेल्स में सिर्फ जेड। अगर दोनों सेम आए तो मेल, अगर अलग आए तो फीमेल। अगेन द चांसेस इक्वल ओनली, डजेंट मैटर। ठीक है, हेटेरोगैमेटी कौन है, अलग टाइप के गैमेट्स किसने बनाए, फीमेल ने। सो शी विल डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी। क्लियर है क्या अभी? एनी डाउट स्टिल हियर, कोई कंफ्यूजन? हाँ ओके, चलो नेक्स्ट। क्वाइट सिंपल राइट नाउ, जेड जीरो जेड जेड, ये बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स में मिलता है, कॉकरोचेस और ग्रास हॉपर्स से पूरा अलग है। इसमें क्या होगा, फीमेल में एक क्रोमोसोम कम है तो उसके ऑटोसोम्स तो है, प्लस जेड एक क्रोमोसोम कम है, मेल्स में दोनों ज्यादा है। तो देखो जेड और जीरो लिख देते, एक एग में ए ए प्लस जेड चला जाएगा, दूसरे में सिर्फ ए ए जाता है, सेक्स क्रोमोसोम जाता ही नहीं। क्लियर? स्पर्म तो बाबा एक ही टाइप का है, ओ माय मिस्टेक, गैमेट है ना, तो एक एक ही ए लिखोगे, सॉरी, क्योंकि ये गैमेट है ना, मियोसिस के बाद बना आधे क्रोमोसोम से। कहते क्या, समझ में आ रहा है तुम लोग को? तो लड़की का एक्स क्रोमोसोम स्पर्म से मिक्स हुआ, दो ए ए ए प्लस जेड जेड हो गया मेल, ए ए प्लस जस्ट, ओ क्या कर रही हूँ यार आज, ये तो हो गया था दूसरे एग के साथ, ए ए प्लस जेड, ये है फीमेल। सो अगेन द फीमेल्स आर हेटरोगेमेटिक। ठीक है, तो ये चार एग्जांपल्स बहुत सिंपल है, इजी है। ठीक है, ह्यूमंस में ड्रोसोफिला में कौन सा होगा, एक्स 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 वाई। ठीक है, फिर बर्ड्स में आता है जेड 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 डब्ल्यू, ये वाला बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, ग्रास हॉपर्स में होता है, एक्स 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 जीरो इवन इन कॉकरोचेस, बटरफ्लाइज में होगा उल्टा। क्लियर है? फिर आता है हनी बी, हनी बीज, एंट्स, वॉस्प, टर्कीज, ये सब। ठीक है, हनी बीज में बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हमने ये डिस्कस भी किया था पहले, फिर से बता रही हूँ आप लोग को। देखो यहाँ पे जो मेल है और फीमेल है, मेल के पास आधे ही क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल डिप्लॉयड होते हैं डबल सेट, दो दो जोड़ी होती है। इतना क्लियर है? मेल्स में सिर्फ माइटोसिस होगा और माइटोसिस से सारे स्पर्म में सिर्फ 16 16 क्रोमोसोम जाएंगे। फीमेल में डबल है तो मियोसिस पॉसिबल, डिप्लॉयड है ना, तो मियोसिस से दो टाइप के एग्स बने। यस, एन इज इक्वल टू 16, एन इज इक्वल टू 16। ये फीमेल जो अंडे दे रही है उसको क्वीन बोलते हैं, वो अकेली है जो एग्स दे रही है। अभी वो मस्त घूम रही है इधर उधर, वो मेल ने उसको पूरा ये दे दिया, स्पर्म दे दिया। जो भी एग्स में स्पर्म मिक्स हुआ उधर 32 क्रोमोसोम बन गए, 16 मेल के 16 फीमेल के, है कि नहीं? तो ये बनेगी फीमेल। कुछ एग्स वैसे ही रह गए, अनफर्टिलाइज्ड है, इनसे वापस बनेगा मेल्स। यस, इनसे बनेगा मेल। आई एम गोइंग टू जस्ट हाइड माय कैमरा फॉर यू ऑल टू चेक इट आउट, है ना? अभी इससे क्या पता चलता है कि फीमेल डिसाइड करती है, एग अनफर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्टली बच्चा बन रहा है, पार्थेनो जेनेसिस हो रहा है। ठीक है, वो मेल ही होगा। तो इससे तीन टाइप बनते हैं, देखो मेल हमेशा जो है वो ड्रोन रहेगा, फीमेल में
ये जो अंडे दे रही थी वो क्वीन होती है। अभी ये फीमेल्स में क्या होगा, दो जिसको रॉयल जेली मिला, जिसको एक्चुअल अच्छा खाना मिल रहा है, वो एग दे सकेगी, वो क्वीन बनेगी, बट पहले क्वीन बनने के बाद ही ये बनेगी, तब तक नहीं बनती। ओके, और जो बचे हुए हैं वो सारे स्टराइल वर्कर भी, अंडरस्टूड क्लियर? यस, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है बेचारे, सिर्फ काम कर रहे। अभी क्लियर नाउ? अभी तक क्लियर है? समझा सब लोग को? यस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट एवर वी डिस्कस्ड टिल हियर। ओके, अभी आते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स ये वर्ड दिया है वाल्डेयर ने, एंड क्रोमोसोम बेस से इनहेरिटेंस होता है, राइट? क्रोमोसोम्स ही पास ऑन होते हैं, है ना? तो ये जो क्रोमोसोम्स आप देख रहे हो, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ऑटोसोम्स जो बॉडी का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हैं, और एलोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स। तो हमारे पास जो 23 जोड़ियां है, 23 पेयर्स है, उसमें से 22 पेयर्स ऑटोसोमिक है और सिर्फ 1 पेयर ऑलोसोमिक है ना? अब ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, जो भी डीएनए था, मैंने आपको बताया है, डीएनए का पूरा लंबा न्यूक्लियस के अंदर सेटल हो जाता है रस्सी, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन, जो इंटरफेज ग्रोइंग फेज में दिखता है। सिर्फ ड्यूरिंग डिवीजन वी गेट क्रोमोसोम, ऐसे। यस, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। बेस्ट पार्ट टू काउंट देम, स्टडी देम इज मेटाफेज। सबसे क्लियरली आपको दिखेंगे ये मेटाफेज। यस, अभी इनके पास होती है क्रोमैटिड्स। आफ्टर डिवीजन डॉट सिस्टर क्रोमैटिड को क्रोमोसोम भी बोल दूंगी, बट क्रोमैटिड्स, और इसके अंदर पूरा डीएनए लपेटा ऐसे है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्रोमोनीमाटा। क्लियर टिल हियर? यस, क्रोमोनीमा भी बोलते हैं। बीच में यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या सेंट्रोमियर। बीच बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस अटक सकता है कभी कभी, सॉरी, न्यूक्लियोला, न्यूक्लियोला सटक सकता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजेशन। यस, एंड इट इज द सेकेंडरी क्रोमोसोम, बट ये हर बार नहीं होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कभी कभी मिलेगा। ये जो लास्ट, इसके बाद का पार्ट है, उसको बोलते हैं सैट क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम। और यहाँ पे एंड जो होगा, जहां पे तुम्हारे पूरे क्रोमोसोम को बंद कर दिया है, पूरे डीएनए को स्टिच कर दिया है ताकि टूटे ना, दैट इज टीलोमियर। तो उससे वो एंड्स फिक्स रहते हैं क्रोमोसोम के। सो बेसिकली ये है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, राइट? अभी क्रोमोसोम में म्यूटेशन होती है, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज होती है, ठीक है? और इससे हम लोग को काफी कुछ डिसीजेस पढ़ने हैं, इससे हमको पेडिग्री पढ़ना है, राइट? यस, 1 मिनट, ठीक है? तो हम लोग कल इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें अपन म्यूटेशन पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटीज पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसीजेस पढ़ेंगे, और उसके बाद पेडिग्री चार्ट देखेंगे। यस, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्लीज लेट मी नो। अगर कोई डाउट्स है, कोई कंफ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। देर इज अ ग्रुप कॉल्ड मनाली सेज, यस यू कैन एक्सेस दैट, या फिर मनाली सेज नीड ग्रुप है जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी थिंग इन दिस सेशन। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, प्लीज लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग।